हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का असाइनमेंट कर रहे थे। अभी तक हमने क्या किया कि 150 क्वेश्चन तक अपना कर चुके हैं। तो 151 क्वेश्चन में थे हम। तो 151 क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक व्यक्ति 36,000 रुपया कोई स्कूटर वो बेचता है, तो क्या करता है कि 20,000 को तो 8% छूट पे, अगले 10,000 को 5% छूट पे और बचे 6,000 रुपये, उनको कितने परसेंट छूट दे कि टोटल राशि पर उसको 7% छूट मिल जाए। अब एक बात देखिए कि 36,000 पे कोर्स थी, पहले तो क्या है 20,000 इसने 3 स्लॉट में बांट दिए, फिर इसने क्या किया है 10,000 है, बचे कितने 6,000। इसने क्या किया, इसे बेचा 8% छूट पे, तो 1,600 रुपये की छूट दी होगी, ठीक है। और इसने बेचा इसको 5% छूट पे, मतलब कि 500 रुपये की छूट दी होगी। अब इस पे इसने पता नहीं कितनी दी है, एक्स परसेंट दी है, टोटल छूट कितनी होनी चाहिए इसके पास, 36,000 थी, इस पे 7%। क्वेश्चन के अंदर 0.7% किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आंसर चेक किया है तो उसके हिसाब से गलत है। तो यहाँ पे हमें 7% लेना है, 0.7% की बजाय, ठीक है। अगर 7% में छूट दूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, सात छिक 42, सात 2104 25, मतलब कि 2520 रुपये। अब देखिए यहाँ पे कितनी छूट दूँ मैं, अब 2100 ये है, अगर मैं 2100 से घटा दूँ कितना बचेगा 420, मतलब कि 420 रुपये होने चाहिए मेरे पास में, और 420 इसका कितना है 6,000 का, 7, मतलब कि मुझे 7% की छूट देनी पड़ेगी किस पे 6,000 रुपये पे, जो शेष राशि मुझे कितनी छूट दूंगा मैं 7% की छूट दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, 152। इस बॉम्ब में क्या है कि एक पर्सन है, वो एक टीवी आपका सेल करता है 9400 में, और उसने लॉस कर दिया एक पर्टिकुलर अमाउंट को ही लॉस कर दिया। अगर वो सोल्ड कर टीवी को कितने में, 10,600 रुपये बेचता, उसका गेन क्या होता, डबल होता पहले के लॉस से, ठीक है। मतलब कि किसी बंदे ने 9400 रुपये पे कोई टीवी बेच दिया, ठीक है, और अभी अगर वो बेच रहा है 10,600 रुपये बेच रहा है, ये मेरा सीपी था, ठीक है। अब मेरा लॉस मान के चलो यहाँ पे हो रहा है मेरा 1 यूनिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, डबल हो गया। अब इनका गैप निकालो कितना पड़ेगा, 10,600 में 9400 गए, 0,021, 1,200 रुपये, मतलब कि 3 जो यूनिट है वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1,200 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक की कितनी आ जाएगी 400 रुपये, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 यूनिट 400 के बराबर है, ये 400 हो गया, तो ये कितना होगा मेरा 800 के बराबर होगा। अब पूछा गया है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, अब कॉस्ट प्राइस निकालना आपको, तो मैं इसके अंदर ये ऐड कर देता हूँ या इसमें से ये घटा देता हूँ, तो मैं ऐड करूँगा क्या होगा 1,800 रुपये, तो मतलब 1,800 क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा कि मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था 9800। अब हम 153 करते हैं हम 153 में क्या गिवन है कि अब हुआ क्या है कि ये आर्टिकल सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 20% एंड एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 30% अलाउड ऑन द कैश पेमेंट, ठीक है। इफ द नर्मदा परचेज द आर्टिकल बाय पेइंग रुपीज 2,240 रुपीज इन कैश, तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या था। इसने बोला क्या है कि एक लड़की है, वो किसी कुछ चीज़ प्राप्त करती है 20% छूट पर, अगर वो उसको कैश में दे दे तो उसको 30% अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, अगर उसने 2,240 रुपये देकर खरीदा है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए, अब मैं मान लेता हूँ भाई मेरा अंकित मूल्य क्या था, 1,000 रुपये था, ठीक है। पहले क्या किया मैंने, इस पर छूट दे दी 20% की, 20 की छूट मतलब 5 की 4 में ले गया हूँ। अब बोला कि कैश पेमेंट किया है, तो कैश पेमेंट किया तो 30% की छूट एक्स्ट्रा मिली होगी इसको, मतलब कि 30 का मतलब 30/100, 3/10, तो 10 की छूट, 10 पे 3 की छूट, मतलब 7 में लेके आया हुआ 10 की चीज़ को। अब इसमें कितने पे किए हैं, 2,240 पे किए हैं, ठीक है। अब देखिए 7 21, 7 19 14, अब 4 8 32, तो 50, तो एक्स कितने में लेके आया हुआ, ये 4,000 इसका क्या होगा मार्क प्राइस इसका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154।
154 में क्या गिवन आपको, 154 में गिवन है कि वट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट, अप्रोक्सीमेट निकालना आपको, दैट इज द मर्चेंट एंड ऑफर ऑन हिज मार्क प्राइस सो दैट एंड सब सेलिंग एट नो प्रॉफिट एंड लॉस इफ द इनिशियली मार्क इज गुड एट अप बाय 140%। इसने बोला है कि मुझे मेरे पास क्या है, इनिशियली मैंने मार्क किया कोई गुड कितने पे किया है 140% पे, मतलब कि 100 पे मेरा सीपी था, 140 से मैंने ये मार्क कर दिया। अब इसमें कितना डिस्काउंट दूँ कि मेरे को उल्टा ये 100 मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मैं इसमें कितना डिस्काउंट दूँ प्रॉफिट मिल जाए, मतलब कि 40 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितने पे 140 पे, 40 का डिस्काउंट दिया मैंने 140 पे, तो इनटू आ गया 100, अभी दो ये 7 पे, तो 200/7, 7 × 14 बचे 6, 7/56 बचे 4, तो 7×35, तो मेरा अप्रोक्सीमेट पूछा इसने, तो 28.5% मेरा अप्रोक्सीमेट क्या होगा इसका आंसर होगा, मुझे इतना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा अगर मुझे सीपी पे वापस जाना है तो, ठीक है। 155 देखते हैं, 155 में क्या गिवन है कि ए मर्चेंट हैज अनाउंस्ड 25% रिबेट, मतलब छूट दी है ऑन द प्राइस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एट द टाइम ऑफ सेल, इफ परचेजर नीड टू हैव टू रिबेट, अगर चाहता है कि मैं 400 रुपये की छूट ले लूँ, देन हाउ मैनी सर्ट्स ईच कॉस्टिंग 320 रुपये शुड ही परचेज, मतलब कि उसने बोला कि 25% की छूट देगा वो, ठीक है, अगर वो अगर कोई मैं चाह रहा हूँ कि मैं 400 की छूट लूँ तो मुझे 320 वाली कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी, इसने ये पूछा है। अब देखिए इसने क्या बोला कि भाई 400 रुपये था, मुझे 400 का रिबेट चाहिए, तो 400 की वैल्यू क्या होगी मेरे हिसाब से 25% बराबर होगी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि 25% की छूट दे रहा है ये, ठीक है, तो 400 रुपये अगर मैं छूट चाहता हूँ तो ये 25% के बराबर होगी, तो कितने रुपये मिली होगी ये 100% पे, मतलब कि 1600 रुपये, तो 1600 रुपये का मुझे सामान खरीदना पड़ेगा, ठीक है, अब एक शर्ट की कीमत कितनी है 320 रुपये, तो 1600 रुपये में ऐसी कितनी शर्ट आ जाएंगी, 320 निकाल लेता हूँ मैं, तो 16 × 32 ये 5, मतलब कि जो है 5 जो शर्ट है मुझे वो क्या होगी परचेज करनी पड़ेगी जब मुझे 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया, क्योंकि इसने ये बोला ना कि भाई मुझे 25% का रिबेट मिल रहा है, ठीक है, रिबेट कैसे मिल रहा है कि भाई 4 की चीज़ थी मैं 3 में लेके आ रहा हूँ, अब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू को मुझे 400 रुपये चाहिए, अगर ये एक एक है, अगर एक यूनिट 400 के बराबर है मेरी, तो ये मेरी 1600 जाएगी, ठीक है, और ये मेरी मेरी कितनी हो जाएगी 1648 हो जाएगी, अब 1600 में 320 कितनी शर्टें आएंगी 5 आएंगी आपकी, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं यार, किसी से भी कर लो आप उससे हो जाएगा, ठीक है, ये 154 अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156 156 में क्या है कि द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द 3 आर्टिकल्स ए बी सी 10% है 20% और 25% है, ठीक है, तीनों पे द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस कितना है 1, 2, 4 है, आल्सो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड ए बी 2, 5 और 2, ठीक है, देन द ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। अब देखिए मेरे पास दो आर्टिकल हैं, क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, अब इनका कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है मुझे 1, 2 और 4, अब मुझे बोला क्या है कि भाई ये मेरी कॉस्ट प्राइस है और मुझे कितने आर्टिकल बेचने हैं टोटल 2, 5, 2, मतलब कि 2 ए है और बी है 5, 2 है सी, टोटल कितना गई है अमाउंट 2 × 1 2 रुपये, 5 × 2 10 रुपये, 2 × 4 ये 8 रुपये, अब इन पे क्या कमाया मैंने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, अब रेशियो है मैं इसको 20 बना लेता हूँ, इसको 100 कर लेता हूँ, इसको 80 कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास में 10% का प्रॉफिट है, तो 2 रुपये प्रॉफिट यहाँ, 10 रुपये यहाँ और 8 रुपये यहाँ, तो कितना बच गया 18 × 2 = 20, ये मेरा 200 रुपये, सॉरी सॉरी ये 10% नहीं है आपका, ये आपका 10 है और कितना है 20 है और 25 है, तो 20% कितना गया मेरा प्रॉफिट 20 रुपये इसका, 25 निकालूंगा तो 1/4, तो 20 रुपये ये हो गया, 20 × 20 = 40 = 42, तो 42 से प्रॉफिट कमाया कितने पे 200 पे, क्योंकि आपका टोटल रेट तो ये होगा ना
इंटू 100, तो मेरा ये कितना आ गया 21% प्रॉफिट जिसने कमाया है ओवरऑल। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए एक तरीका तो ये था बस करने का, एक तरीका एक और मैंने आपको मैं बता चुका हूँ कैसे कि हाँ मेरे पास रेशियो क्या दी थी, ये 2 आई थी, ये मेरा 10 आया था, ये मेरा 8 आया था। ठीक है, अब मुझे बताया इस पे कितना 10%, ठीक है, इस पे कितना था 20%, इस पे कितना था 25%, तो कितना हो गया ये 20, ये 200, ये 200, टोटल कितना गया ये 220, 420 हो गया, तो 420% का प्रॉफिट है टोटल। टोटल आर्टिकल कितने हैं 18, 19, 20 आर्टिकल हैं, तो 20 पे कितना हुआ ये 20 से कर लो आप इसको, तो 21% प्रॉफिट इसने टोटल 20 पे कमाया हुआ। ठीक है, आपको मैंने बताया ना डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, जो आपको सूटेबल लगे एग्जाम के अंदर वो लगाओ। तो इसके लिए जरूरी क्या है, आपका बेसिक होना बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरी है, मतलब स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपको स्टेटमेंट के साथ ना बस कुछ नहीं करना, आपको खेल जाना है कि हाँ आपको जो गिवन है आपको माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा आपको कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, अब क्या कि एक कंपनी क्या करती है, मार्क प्राइस को ना 20% बढ़ाने की बजाय वो क्या करती है कि 10-20% घटा देती है। ठीक है, और उस पर 6.25% का एक्सटर्नल आपको डिस्काउंट भी देती है। ठीक है, इन प्रोसेस कंपनी ने क्या किया है, लॉस मिला है, क्या मिला है कि 37.5%, तो पहले वाला विक्रय मूल्य क्या था आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना तो अटपटा लगेगा क्वेश्चन में ना, देखो मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने मॉडिफाई किया अपने हिसाब से, मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन में की गिवन हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर 150 गिवन था, जो मैंने ट्राई किया मुझसे जो निकला, बाकी अगर आपको लगे कि गलत है आप अपने आप से कीजिए फिर मुझे बताइए कि सर यहाँ पे गलती है। ठीक है, तो इम्प्रूव मैं भी करूँगा। ठीक है, अब क्या है कि इसने बोला क्या है कि एक कंपनी है, उसने मतलब कि 100 रुपये उसका मान के चलो कोई प्राइस था, उसने इसको 20% बढ़ाने की बजाय 20% घटा दिया, 80 कर दिया। अब बोल रहा है कि 6.25% का डिस्काउंट भी दे रहा है, अब ये डिस्काउंट कैसे निकालूंगा मैं, बटे 100 हटा दिया, अब ये पॉइंट हटा के फिर 0, अब 25 ये 40, ठीक है, अब बचे 25 ये 5 40। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं सॉरी कुछ गलती की है, 6.25% था, इसको कैसे लिखता हूँ मैं, 625 पॉइंट 100, अच्छा ये पॉइंट हटा तो 100 आएगा ना यहाँ पे, 10 नहीं आएगा, तो बचे बचे 25 25 चौके 100, अब यहाँ पे 25 25 25 चौके 100, मतलब कि 1.16 आ गया, मतलब कि कोई चीज़ 15 में बेची होगी 16 की लागे, तो मेरा डिस्काउंट कितना आएगा 6.25 का। अब मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया 15/16 का, 16 × 5 = 80, तो 75 में बेच दी मतलब कि। ठीक है, अब इस लॉस कितने को रहा है 25 का, जो कि कितना है 37.5 के बराबर है, तो एक मुझे निकालना है, तो 37.5 × 25 तो 100 पे कितना होगा, मुझे ये पूछा हुआ है, 25 चौके 100, ये आपका जाएगा 150 रुपये, ये आपका क्या होगा आपका जो सेलिंग प्राइस था पिछला जो टैग हमने लगाया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को अपने आप ही देखिए क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, अगर मिस्टेक नहीं है तो आप कह रहे हो गुरु जी नहीं आप गलत हो, तो आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए आप कैसे निकाला आपने, तो मैं भी कुछ सीख लूंगा आपसे। ठीक है, सब कुछ मैं थोड़ा सिखाऊंगा आपको। 158 क्या है, द प्राइम कॉस्ट ऑफ द एन आर्टिकल इज 3 times ही वैल्यू ऑफ द रॉ मेटेरियल यूज्ड। देखिए उसने बोला क्या है कि मेरे पास ना कोई आर्टिकल था, मतलब इसमें रॉ मेटेरियल है, ठीक है, जो रॉ मेटेरियल की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, अगर एक है तो उसको बनाने का खर्च कितना है मेरे पास में, जो प्राइम कॉस्ट को बोलते हैं जो बनाने का खर्च होगा, तो प्राइम कॉस्ट मेरे पास कितनी है 3 रुपये है। ठीक है, अभी मुझे चल गया पता। अब इसने बोला क्या है इसके आगे, यदि कच्चे माल और उत्पादन मूल्य क्रमश 5, 12 और 4, 5 के अनुपात में बढ़े, मतलब कि अगर मेरा पहले 5 था 12 बढ़ जाए, ये मेरा पहले 4 था और 5 बढ़ जाए, ठीक है, तो 6 रुपये वास्तविक मूल्य वाले वस्तु की कीमत अब क्या होगी, तो 6 रुपये वास्तविक कीमत थी तो उसकी मतलब कि टोटल मेरे पास कितना था, ये 6 रुपये था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसी वैल्यू में तोड़ता हूँ जो मुझे दोनों का वो दे दे, मतलब 20 से कर लेता हूँ कि ट्रिपल है, तो 20 ये मान लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने 60 मान लिया, जो 4 और 5 दोनों का मल्टीपल बन जाए मेरा। अब देखिए ये मेरा 5 × 20 के बराबर है, तो 5 × 20 तो ये कितना होगा 48 होगा, 12 × 48, ठीक है, ये मेरा 15 के बराबर हो गया कि यूनिट, यहाँ पे फिर 75 हो जाएगा ये। ठीक है, इनको जोड़ लेता हूँ मैं, अब कितना बनेगा मेरा, ये मेरा बन गया
78, 8 5 13 और 123 बन गया, ठीक है। और ये मेरा कितना बना, 80 बन गया, और 80 की वैल्यू कितनी की बना, 6, ठीक है। तो 123 निकाल लिया मुझे कि भाई 80 की वैल्यू 6 है, तो 123 की कितनी होगी, निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। अब इससे आगे नहीं जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से काटता हूँ पहले। 4 3 12, 0, 4 7 28, 4 5 20, आपको ये बनेगा। बटे में 10 है, 3 5 15, 3 7 21, रेख 22, और ये क्या बचेगा आपका, ये 2 और 3 3 9, बटे 10 है, तो आपका क्या बन जाएगा, 9.2 समथिंग आपको आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि जो पहले मैं 6 में लेके आया था, मैं कितने में बेच रहा हूँ उसको, 9.2 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है। 159 करते हैं, क्या है मेरे पास कि दो शॉपकीपर है, अनाउंस करते कि सेम प्राइस, सो अनाउंस द सेम प्राइस ऑफ RS 700 फॉर ए शर्ट, द फर्स्ट ऑफर द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 30% और 6%, वाई द सेकेंड ऑफर द 20% और 16%, द शॉपकीपर दैट ऑफर बेटर डिस्काउंट इज अ मोर ऑफर। देखिए इसने क्या बोला है कि दो शॉपकीपर है, दोनों क्या करते हैं कि वो कहता है कि मैं उससे, मतलब कि मैं दूंगा डिस्काउंट 30% का और 6% का, 700 रुपये पे, और एक कहता है मैं 20% और 16% का लगातार, मतलब डिस्काउंट दूंगा, तो दोनों में डिस्काउंट में कितना फर्क आएगा। अब एक बात है कि सक्सेसिव डिस्काउंट को अपने पढ़ रखा है, क्या होता है कि पहले वाला डिस्काउंट है, ठीक है, प्लस दूसरे वाला डिस्काउंट, और माइनस में 30 × 6/100। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई पहले तो सेम रहता है, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो क्या पड़ेगा, तो डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा, खाली ये टर्म क्रिएट करेगी डिफरेंस मेरा। देखिए अब मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो ये तो कट जाएगा आपस में, ये भी 36 है ये भी 36 है, तो डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा मेरा, ये नंबर क्रिएट करेगा, तो मतलब कि ये मेरा साफ हो गया यहाँ से, तो कितना बचा, ये मेरा 6 3 18, तो 1.8 मेरा ये बच गया, ठीक है, ये 32 बच गया, तो 3.2 मेरा ये बच गया, तो इनका डिफरेंस क्या होगा मेरे पास में, 4 1 1.4 मेरा डिफरेंस आ गया। अब 700 का ये मेरा एक्चुअली परसेंटेज है यहाँ पे भी, ठीक है, तो 700 का 1 + 4% कितना होगा, 10 को ऐसे रखिए क्योंकि फिर कैलकुलेशन सारी रहेगी, 14 से 98 बटे 10, मतलब कि जो 9.8 रुपये का फर्क रहेगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहले बट्टे से प्रदान करने वाले दुकानदार का बट्टा कितना अधिक है, तो कितने रुपए अधिक है, 9.8 रुपये अधिक है। अब 160 करता हूं, 160 में क्या है कि ए मैन्युफैक्चर ऑफ ए सर्टेन आइटम कैन सेल ऑल ही कैन प्रोड्यूस एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 ईच, इट कॉस्ट हिम 40 इन मटेरियल एंड द लेबर टू प्रोड्यूस ईच आइटम, एंड ही हैज ओवर हेड एक्सपेंस ऑफ द 3,000 पर वीक इन ऑर्डर टू ऑपरेट दैट प्लांट, द नंबर ऑफ यूनिट ही शुड प्रोड्यूस एंड द सेल टू मेक द प्रॉफिट एटलीस्ट 1,000 पर वीक। इसने क्या बोला कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने वस्तु जो उत्पादित करता है 60 रुपये प्रति इकाई की दर से बेचता है, ठीक है, ये तो उसने बेच दिया, उसे प्रति इकाई के उत्पादन का जो कच्चा पदार्थ और मजदूरी मिलाकर कुल लागत कितनी बढ़ती है, 40 रुपये बढ़ती है, ठीक है, तो उसकी लागत होगी, साथ ही कारखाना चलाने हेतु 3,000 रुपये उसने क्या करना पड़ता है, खर्च उसको चलाना पड़ता है प्रति सप्ताह 3,000 रुपये, ठीक है, उसे प्रति सप्ताह कम से कम कितनी इकाई बेचनी पड़ेगी जो उसे कम से कम 1,000 रुपये का मुनाफा हो। अब आप एक बात देखिए, उसने बेचा कितने, 60 रुपये है, अब 40 रुपये तो कॉस्ट इसकी ये थी, ठीक है, एक यूनिट की, अब 3,000 रुपये वो खर्च कर रहा है, ठीक है, 3,000 रुपये खर्च यहाँ पे कर रहा है, अब 40x में लेके आया था और इस इतने एक्स में से बेच दिया, अब जो आपका डिफरेंस क्या हो गया फिर, अब इसका प्रॉफिट कितना होगा आपका, मतलब कि 60x, क्योंकि मुझे ये नहीं होता कि नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, तो मैंने क्या लिखा कि 40 रुपये के हिसाब से मैंने इतनी एक्स यूनिट बेची है,
वो तो 60 रुपये के हिसाब से मैंने एक्स यूनिट बेची होंगी, ठीक है, -40x -3000, अब इक्वल टू क्या गिवन आपको, ये 1000 प्रॉफिट मिला आपको, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब कुछ नहीं करना, सोल्व करना है बस, 20x इक्वल टू 4000, तो मेरा 200 रुपये, मतलब कि मैंने टोटल यूनिट कितनी सेल की होंगी, 200 यूनिट मैंने मुझे बेचनी पड़ेगी ताकि मुझे 1000 रुपये प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 161। सुरेंद्र परचेज एन ऑफिस बैग, ये क्या है कि मुझे ऑफिस बैग खरीदता है विद द प्राइस टैग ऑफ 600, 600 रुपये प्राइस टैग का उसने खरीदा है, ठीक है, उसे 25% उस पर डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है, ही वाज गिवन ए फर्दर डिस्काउंट 10% ऑन द अमाउंट अराइव्ड एट आफ्टर गिविंग द यूजुअल 25% डिस्काउंट, व्हाट वाज द फाइनल अमाउंट पेड बाय सुरेंद्र। 600 रुपये प्राइस था, 25% से छूट मिल गई, और 25% छूट के बाद जो मूल्य निकलता है उस पर फिर 10 रुपये की छूट, 10% की छूट उसको मिल गई है, तो सुरेंद्र ने उस बैग में कितनी राशि खर्च की होगी, 600 रुपये उसके ऊपर प्राइस टैग था, ठीक है, 25% की छूट मिली है, मतलब 3/4 का, और क्या बोला कि 10% की अतिरिक्त छूट सुरेंद्र को दी गई है, ठीक है, अब देखिए ये 15, 27 × 15 निकालूंगा तो क्या बनेगा, और 15 15 7 105 बचे 10, 30 और 10 40, मतलब कि 405 रुपये में उसे क्या किया होगा, उस बैग को खरीदा होगा, ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा, ये मेरा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 162। में क्या है, देखिए फ्रेंड थोड़ा सा आपको इसमें इंग्लिश और हिंदी में वेरिएशन दिखेगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इस असाइनमेंट के अंदर ना काफी प्रॉब्लम है, मतलब काफी मिस्टेक है जो टाइप राइटर ने इसे टाइप किया है उसने कर रखी है, ठीक है, पता नहीं क्या करके उसने टाइप किया सब कुछ ही। इसने क्या किया कि मिस्टर वैल्यू है, उसने कोई जनरेटर है वो 10,000 पे, मतलब 1 लाख पे बाय किया है, ठीक है, रेंट पे, अगर वो उसको कि 10,000 एक जनरेटर खरीदता है 1 लाख रुपये में, दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस दे रखा है हिंदी और इंग्लिश में, और उसने क्या किया, जो मासिक जो उसका किराया है उसमें से 12.5% तो रख रखाव के लिए और मरम्मत के लिए रख रहा है, ठीक है, जिसको किराया उसका, और 325 रुपये प्रति वर्ष चुका रहा है, ठीक है, और 5.5 क्या करता है आपका लास्ट में उसको क्या कि उसको एनुअली इसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, उसको रियलाइज करता है कि इसको एनुअली गेन मिला है 5.5%। अब एक बार देखिए, मैं मानता हूँ कि जो रेंट है वो 1 साल का मैं मान लेता हूँ मेरा ₹100 है, ये रेंट है मेरा पर ईयर मान लेता हूँ, ठीक है, कितना ₹100 है, ठीक है, अब मेरे पास एक्स था, मैंने इसमें से क्या क्या घटा दिया, जो 12.5% जो मैंने रखा है किसका, मेरे पास मंथली था, मतलब कि 12.5% तो मैंने रख लिया, ये मैं ईयरली रखूँगा, ठीक है, एक्स का, और प्लस क्या है 325 रुपये एनुअली मैं कर दे रहा हूँ इसका टैक्स के रूप में, ठीक है, और मुझे मेरे को रिलाइज क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना रिलाइजेशन हुआ मुझे 5.5%। अब 1 लाख का मैं 5.5% निकालूंगा तो कितना बचेगा, 3 0 3 0 तो 5500 रुपये, मतलब कि 5500 रुपये मुझे क्या हुआ है, ये प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, ठीक है, अब क्या पता चल रहा है मुझे, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये परसेंटेज है, ठीक है, तो 12.5% का मतलब क्या होता है मेरा 1/8, ठीक है, 1/8 घटाऊंगा तो 7/8 हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अपना 1/8, ठीक है, इससे घटाऊंगा तो 7/8 एक्स इक्वल टू, ये मेरा माइनस होगा वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 5500 प्लस 325 5825, तो 5825 मेरा ये हो गया, अब काटो इसको, 56 2 7 56 2, सॉरी कटेगा नहीं, मेरा कितना बन रहा था 5825 बना है, तो ये कितना बचेगा, 57 56 57 58 2, ये मेरा पॉइंट में जाएगा फिर इसका, मतलब कि 7 × 8 कर देता हूँ मुझे, ये एक्स कितना हो जाएगा मेरा, अब ये मेरे पास वैल्यू किसकी आई है, पर ईयर की आई है, तो मुझे चाहिए मंथली रेंट चाहिए अपना, मंथली 12 कर दूंगा बटे में, अब 12 से इसको काटते हैं तो कितना बचेगा, अब देखिए आप ये हो गया मेरे पास, अगर इसको काटूंगा तो मैं चौदह
चार तीय 12, चार दूनी 8, ठीक है। अब 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, 2 3 27, 1 3 चौक 12, सॉरी सॉरी मैं काम करता हूँ, टोटल 21 से काट दूंगी। 3 से करूँगा तो रेशो मेरी बढ़ती चली जाएगी, कभी नहीं कटेगा इसे। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 था कितना, अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जो बचेगा मेरा, मतलब कि 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 8 16, 10 11 21, ये आ गया। तो ये 21 5 105, 21 6 6 12 26, 21 5 में गया। अब 105 घटाऊंगा तो कितना बचेगा इसके अंदर से, 11, 115 आ गया। फिर 21 5 105, तो 115 में से 111 गया, बचा कितना आपका, 10 बच गई, तो 100 आया। तो 21 चौक 76, ये 4 पे गया, 76 बचा कितना, 24। अब 24 किस पे जाएगा, ये मेरा जाएगा 76 पे, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये ऑलमोस्ट आपका इतना ही आएगा, ठीक है। तो 554.76 मेरा क्या होगा, इसका मंथली जो होगा रेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 163। में क्या है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए पियानो वाज 15,000 एट द टाइम ऑफ द सेल, देयर वाज सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 10% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो सेल प्राइस क्या होगा, देखिए मार्केट प्राइस क्या था मेरा, 15,000 था, ठीक है। अब डिस्काउंट मैंने 3 दे दिए सक्सेसिव है, मतलब कि 20% का डिस्काउंट मतलब 4/5, 10% का मतलब 9/10, ठीक है। फिर आपका 9/10 ऐसे ही आपका, तो 2 0 से 2 0, तो 5 3 15, ये 30 हो गया, ठीक है। अभी कितना गया, 9 81, 81 चौक 84, सॉरी 9 81 और 4 4 8 32, 324 हो गया। ये 3 चौक 30 से करूँगा तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 2 6 1 7, 3 3 9, तो ये 9700 मेरा आ गया, 9720 रुपये, मतलब उसने 9720 रुपये क्या किए होंगे, इसको पे किए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब 164 देखते हैं, 164 में क्या है कि दो आइटम है ए और बी, सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। मेरे पास दो आइटम थे, ए था और बी था, ये 10% प्रॉफिट पे मतलब 10 पे लेके आया 11 बेच दिया, ये क्या किया इसने 15% प्रॉफिट है, मतलब 20 पे लेके आया 23 पे बेच दिया होगा, ठीक है। अब इसने बोला क्या है कि जो उन पे प्राप्त जो लाभ है ना, वो उसकी राशि एक जैसी है। अब देखिए यहाँ पे मुझे 1 लाभ मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 3 लाभ मिल रहा है, तो मैं इसको 3 बना लेता हूँ, पूरा पूरा 3 बना लेता करूँगा, 3 से गुणा कर दूँ पूरे को, मतलब कि इसको मैंने कर दिया 30 कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 33 कर दिया, अब 3 हो गया ना मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा लाभ बराबर हो गया, ठीक है। तो ए बी की लागत मूल्य कितना हो सकता है, तो अगर उनकी अर्थात राशि समान रही है तो ए और बी का लागत मूल्य क्या हो सकता है। अब मुझे चल गया पता कि भाई ए और बी का लागत मूल्य किस रेशियो में होगा, 30 और 20 की रेशियो में होगा, मतलब कि 3 और 2 की रेशियो में होगा। अब आपका ऑप्शन में जो गिवन होगा आपको पेपर के अंदर, वो ऑप्शन उठाइए, उसमें 3 और 2 चेक कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मेरे पास इसमें क्या आंसर गिवन है, मुझे 3000 और 2000 गिवन है, ठीक है। ये आंसर आपको असाइनमेंट में गिवन होगा कि भाई 3000 की रेशियो तो मेरे पास ये आई है ना। अब इसके रेशियो में कुछ भी आपको आंसर दे देगा पेपर के अंदर, 4 ऑप्शन में से आपको वो रेशियो चूज करनी है, ठीक है। अब हम 165 देखते हैं, 165 में क्या है कि ए रिटेल प्राइस ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ डिस्काउंट। उसने मतलब कि 4 तरह के डिस्काउंट दिए हैं, कौन कौन से हैं भाई, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए 10% वाले, ठीक है, मतलब कि 20 हो गया। अब आपको पता कि आपकी वैल्यू क्या डिफेंड करती है, देखिए अगर मैं 10 कर दूँ माइनस 10 × 10/100, ठीक है, हर एक में आपको 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये मिलेगा, तो आपका जो डिफरेंस पैदा करेगी वो ये वैल्यू पैदा करेगी, तो मैं ये लिखता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट हो गया मेरे पास, 1% जो कम होगा, ये हमेशा माइनस रहता है ना, तो ये टोटल 20 में से 1 कम होगा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे वाली कंडीशन में क्या है कि 1 12 का 1 8 का है, तो 12 × 8/100, तो 12 96, तो 0.96 कम होगा, ठीक है। तीसरे में क्या है, 15 और 5 का है, तो 15 × 5 है/100, तो इतना हो गया 75 हो गया, तो 0.75% होगा। चौथे में क्या है कि
प्रॉपर डिस्काउंट है 20% का, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, किस केस में द सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम। अब सेलिंग प्राइस मिनिमम रखना है तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा। अब देखिए चौथे में 20% पूरा डिस्काउंट है, यहाँ तो 20 से कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है, मतलब कि डिस्काउंट जितना ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस उतना मिनिमम होगा। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।